हे गाइस, दिस इज फैब्रिक के वैभव। दिस इज अ बाइसाइकिल दैट आई स्पॉटेड ओवर हियर। इसका जो प्राइस है वो इंडिया में जो प्राइस है दैट इज 4.05 लाख, लेकिन इसका जो ऑफिशियल प्राइस या फिर मैं इसको बता सकता हूँ मेन प्राइस इसका आई गेस 4.6 के आसपास होना चाहिए। तो यू कैन कॉल दिस एज अ 4.6 लाख रुपीज बाइसाइकिल। नाउ लेट्स सी, इसमें जो फ्रेम है दैट इज कार्बन फाइबर। जो इसमें सामने का ग्रुप सेट है दैट इज अल्टेग्रा। पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डिटेलर है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अल्टेग्रा। सामने का जो क्रैंक है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अल्टेग्रा। इवन जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है इसमें दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अल्टेग्रा। तो फुल आपको अल्टेग्रा का सिस्टम मिल जाता है। एंड इसी मेडॉन सीरीज में ये प्रीमियम सीरीज बन जाती है फ्रॉम ट्रिप ब्रेक साइकिल्स। तो इसी मेडॉन सीरीज में आपके डी आई टू शिफ्टर वाले भी आते हैं एंड अलग अलग डीजल सिस्टम वाले भी आपको इसी बार साइकिल में मिल जाते हैं। सो लेट्स सी और इसमें क्या चीज़ें हैं। जो आपका जो हैंडल बार है इस थोड़ा सा एरो टाइप का डिज़ाइन है एंड इसके अगर आप वायरिंग देखेंगे तो सारा आपका इंटरनल केबल वायरिंग हो चुकी है। सो बिल्कुल भी आपको ज़्यादातर वायर्स में नहीं दिखती है। नाउ इफ यू सी डिफरेंट, यहाँ पर आपको स्पेसेस भी थोड़े से अलग टाइप के यूनिक टाइप के दिख जाएंगे। यू ऑल्सो सी अ प्रीमियम ट्रैक बैच इन द फ्रंट। अगर आप नॉर्मल ट्रैक देखेंगे तो इस टाइप का बैच आई डोंट थिंक ऐसे मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ट्रैक का बैच नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन उसका जो शाइन है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नॉर्मल लगेगा। ठीक है, दिस इज वो 1 लाख रुपये की बात है। तो इसका जो आप देखेंगे दिस इज काइंड ऑफ अ प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन एंड थोड़ा ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। हाँ, ये मेटल लग रहा है मुझे, वो रबर लग रहा है, सही कह रहा है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी आपको प्रीमियम दी गई है। एंड इफ यू सी द सीट पोर्ट्स ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो एरोडायनामिक इन डिज़ाइन। यू ऑल्सो कैन सी कि यहाँ पर आपको डैम्पनिंग मिल जाती है। सो आप नीचे से अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पूरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी, आपको कितना सॉफ्टर चाहिए साइकिल का, कितना हार्डर चाहिए, तो यहाँ से वो एडजस्टमेंट हो जाती है। एंड इसको जो आपके जो आगे पीछे हो जाता है फ्रेम पूरा आगे पीछे हो जाता है, मतलब आप ये पीछे के दो बोल्ट खोलोगे पूरा का पूरा फ्रेम जो है आधा फ्रेम है वो बाहर आ जाता है। नाउ इफ यू सी एट द रोटर्स, ये भी आपको शिमानो मिल जाते हैं। दीज आर वन ऑफ द लाइटेस्ट रोटर्स जो कि आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक से मिल जाती है। द वेट ऑफ दिस व्हील इज क्लोज टू 8 किलोस, वेरी लाइट वेट इन रोड कैटेगरी। मतलब रोड की आप देखेंगे तो 9 किलो से ऊपर ही आती है बाइसाइकिल आपकी। सो अगर आप यहाँ पे आप इसके व्हील्स देखेंगे दीज आर ऑल्सो एरोडायनामिक, लेकिन आप इसको थोड़ा सा दबा के देखेंगे ना तो थोड़ा सा पेपर टाइप का डिज़ाइन आएगा, बिकॉज इतना लाइट वेट बनाने की कोशिश करी गई है इसको। इवन द स्पोक्स ओवर हियर यू कैन सी कि ये भी थोड़े ज़्यादा फ्लैटिश टाइप के हैं। एंड दिस वाज इट गाइस, दिस वाज द टेक मेडॉन। ये जो वीडियो थी आपने मेरे सेकेंडरी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखी थी, शायद मैंने प्राइमरी यूट्यूब चैनल पर भी अपने इसके शॉर्ट अपलोड करे थे, बिकॉज ये काफ़ी एक्सक्लूसिव लगी थी। वैसे जनरली जो मेरे प्राइमरी यूट्यूब चैनल है उसमें सिनेमैटिक वीडियोज़ बनाता हूँ, बाहर के आउटडो शूट्स करता हूँ, काफ़ी सारे नॉलेजेबल कंटेंट बनाता हूँ, तो अभी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आते हैं इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करनी है तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, दिस फैब्रिक के वैभव साइनिंग ऑफ।